हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चिकन रेसिपी जिसका नाम है महारानी चिकन। तो इसका रेसिपी थोड़ा अलग है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है सरसों का तेल और तेल गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और उसके बाद एक एक करके कुछ खड़ा मसाला डालेंगे, जो है स्टार एनिस, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और मेस। मसाले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज अनियन लिया है। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अनियन फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ग्रीन चिली पेस्ट। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे पेस्ट को। फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, जो कि ये करीब 800 ग्राम चिकन है। चिकन को हम अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ। अभी मैं इसमें एक पेस्ट मसाला डालूंगी, जिसमें है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, जिसमें मैंने एक थोड़ा पानी डाल के इसको एक पेस्ट जैसा बना लिया। और इसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, ताकि मसाला जल ना जाए। और फिर इस मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक पेस्ट। इसमें है कैश्यू, आलमंड एंड दही। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा अभी, जब तक ना ये ड्राई हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। मिला देंगे अच्छे से। कि देखिए ये ड्राई हो रहा है एकदम से। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे इसको। ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भुनेंगे। इस टाइम पे हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी ऐड किया।
इसको मैं अभी ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद इसका ग्रेवी बन चुका है। ग्रेवी अच्छे से गाढ़ा हो गया, चिकन भी सॉफ्ट हो गया और ये हमारा रेसिपी बन चुका है। आप इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका जो ग्रेवी है बहुत टेस्टी बनता है। बहुत रोटी के साथ, चावल के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसके साथ भी आप सर्व कर सकते हो।